भक्ति जोगो रसावतार तथा निखिल दर्शन समन्वयाचार्य जगद्गुरु श्री कृपाळुजी महाराज को शास्त्रीय विरोधाभासर सुंदर समन्वय करिबा संगे संगे विभिन्न दार्शनिक तत्व उपस्थापन करी धार्मिक विषयगुड़िकर वैज्ञानिक विश्लेषण मध्य करिछन्ति। तांकर अनेक प्रचारक देश विदेशरे तांकर एही विलक्षण समन्वयात्मक वैदिक सिद्धांतर प्रचार करूछन्ति। अनुरूप भावे श्री कृपाळुजी महाराजंकर अन्यतम वरिष्ठ प्रचारिका सुश्री ब्रजचकुरी देवी, जिकि विगत 23 वर्ष धरि ओडिशारे अवस्थापित होइ प्रवचन माध्यमरे श्री गुरुदेवंकर सिद्धांतर प्रचार प्रसार कार्यरे व्रती अछन्ति। वर्तमान असंतु देवीजींक मुखरु जगद्गुरु श्री कृपाळुजी महाराजंक सिद्धांत श्रवण करिबा। प्रवचनर विषयवस्तु परस्पर सहित संबंधित ओ धारावाहिक होइथिबा हेतु प्रतिदिन सुनिबा अनिवार्य अटे। भले ही पूरा जीवन बीत जाए हमें किसी को गुरु मानने में, लेकिन जल्दीबाजी में हमें किसी को गुरु नहीं बनाना। देर आयत दुरुस्त आयत, भले ही कोई काम देर से हो लेकिन ठीक ठीक होना चाहिए। अब महापुरुषों को पहचानने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए पहले वो समझ लीजिए। महापुरुषों को हम कैसे पहचानेंगे, क्या क्या पहचान है ये मैं बाद में बताऊंगी, पहले हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है वो सुनिए। पहली बात तो ये कि वास्तविक महापुरुष कभी किसी को संसार का सामान नहीं देते, और जो बाबा लोग आप लोगों को संसार का सामान देने का स्वांग रचते हैं, मेरा पहला प्रश्न उन बाबाओं से होगा, बाबा जी एक बात बताइए, ये संसार का एरिया इतना लंबा चौड़ा ये आपने क्यों छोड़ा, और आप ईश्वरीय एरिया में क्यों गए? इसका मतलब आपने ये सोचा कि संसार में सुख नहीं है, भगवान में ही सुख है? जी हाँ। तो जब आप ये जानते हैं कि संसार में सुख नहीं है, भगवान में ही सुख है, तो फिर आप इन संसार वालों को संसार का सामान देने का स्वांग क्यों रचते हैं? वैसे तो प्रारब्ध के खिलाफ कोई कुछ दे नहीं सकता, लेकिन देने का नाटक भी क्यों? ये दंभी लोग जो पनप रहे हैं ना, उनको सहयोग देने वाले आप लोग ही हैं। आप लोग जाते हैं बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास, पाखंडियों के पास, महाराज हमारे ऊपर कुछ कृपा करिए, कुछ हमें आशीर्वाद दीजिए, कुछ संसार का सामान दीजिए। अब वो लोग भी कहते हाँ जाओ तुम्हारी बात पूरी हो जाएगी, तुम जरा ऐसा करो, जरा ये दान में देना, वहां पर ये चीज चढ़ा देना। अब 100 लोगों को बाबा जी ने कहा, 2-4 की कामनाएं पूरी हो गई। अरे प्रारब्ध से किसी को कुछ ना कुछ कभी मिल गया, अब वो 2-4 पक्के शिष्य हो गए। तो मेरा पहला प्रश्न है बाबाओं से कि बाबा जी आप जानते हैं कि ये दुनिया पहले ही नशे में है, ईश्वर को भूले हुए हैं, आप संसार का सामान देकर इनको और बेहोश करना चाहते हैं? इसीलिए
भगवान ने भागवत में अपनी कृपा के लक्षण बताते हुए कहा कि तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्य अनुग्रहम यस्याह मनुगृहिणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। ऊपर की पंक्ति जो है, ऊपर की लाइन भागवत के 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 16वां श्लोक और नीचे वाली लाइन भागवत के 10वें स्कंद के 88वें अध्याय का 8वां श्लोक, दोनों का एक ही अर्थ है। भगवान कहते हैं कि मैं जब किसी पर कृपा करता हूं तो उसकी सांसारिक संपत्ति धीरे धीरे छीन लेता हूं, लेकिन हमारे भारतवर्ष में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस कानून को मानता हो? कोई भी व्यक्ति किसी मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, किसी संत के पास जाए और जब घर में आए तो देखे कि चोरी हो गई हो और आकर संत से कहे महाराज आपने बड़ी कृपा की जो हमारे घर में चोरी हो गई, ऐसा कोई व्यक्ति आपने देखा ना? तो फिर सब धोखा है, सब नास्तिकता है, सब स्वांग रचा जा रहा है। भगवान तो कहते हैं कि मैं जब किसी पर कृपा करता हूं तो उसकी सांसारिक संपत्ति छीन लेता हूं, और हम लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान जब कृपा करते हैं तो करोड़पति बना देते हैं। हमारे इतिहास में एक महिला हुई कुंती, साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनके सामने खड़े हैं और भगवान ने कुंती जी से, अपनी पीसी बुआ से कहा कुछ मांगिए। तो कुंती ने कहा कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं बुआ जी, कुछ तो मांगिए। ऐसा वरदान मांगा कुंती जी ने कि आप लोग सुनकर दंग रह जाएंगे। क्या मांगा? विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्याद् पुनर्भव दर्शनम। भागवत के पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 25वां श्लोक, हे श्री कृष्ण अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि मुझे हर प्रकार की विपत्तियां दे दीजिए, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार का दुख दे दीजिए। क्यों? क्योंकि जन्मैश्वर्य सुतश्री भी रेधमान मदह पुमान नैवार हत्य भिधातु वई त्वाम किंचन गोचरम। भागवत के पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 26वां श्लोक, महाराज आप अकिंचन के हैं, नाचीज के हैं, इसलिए मुझे अकिंचन बना दीजिए। अगर मेरे पास किंचन थोड़ा भी वैभव होगा, ऐश्वर्य होगा तो मुझे अहंकार हो जाएगा, मैं भी कुछ हूं, इतने लोग मेरी ओर देखते हैं, इतने लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। जबकि संसार में कोई किसी की प्रशंसा नहीं कर सकता। हां आपसे अगर कुछ मतलब है, आप बड़े काबिल हैं, मतलब यानी स्वार्थ समाप्त हो गया, आप कॉमन मैन हैं, स्वार्थ हानि हो गई, आप बदमाश हैं, जजमेंट बदलने में लोग देर थोड़ी लगाते हैं। तो संसार के ऐश्वर्य मनुष्य को बेहोश कर देते हैं। नहीं को वस जनमा जग माही प्रभुता पाई जाही मद नाही श्रीमद वक्र न कीन के ही प्रभुता बधिर न काही। चैलेंज किया है तुलसीदास जी ने कि ऐसा कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता कि जिसके पास प्रभुता हो और उसे अहंकार न हो।
वैसे तो हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ है ना, किसी की युवावस्था है, किसी की बुद्धि ज़रा अच्छी है, किसी की पोस्ट बहुत बड़ी है, किसी के पास धन संपत्ति है, किसी के स्त्री पति माँ बाप बेटे सब ठीक ठाक हैं। तो हर व्यक्ति अपने से प्रश्न करता है, क्या मैं इन सब वस्तुओं का अहंकार करता हूं? ना। क्या मैं बिल्कुल ठीक हूं? हां। आपने किससे पूछा? क्वेश्चन करने वाला भी वही, आंसर देने वाला भी वही। आपने प्रश्न किससे किया? बुद्धि से। और उत्तर किसने दिया? बुद्धि ने। तो वो अपने विपरीत निर्णय कैसे दे? और बुद्धि तो बिचारी नशे में है, वो बिचारी अपने खिलाफ निर्णय दे भी तो कैसे दे? एक सब इंस्पेक्टर अगर चार लोग उसको सलाम करते हैं तो वो सोचता है मैं भी कुछ हूं। अगर 500 रुपया जेब में रखकर आप मार्केट जाएं और कहें भाई ये सामान कितने का है? ये तो 400 रुपए का है। अरे हाँ दे दो है ना, अभी जेब गरम, भले ही फिर कल एक रुपया अभी जेब में ना रहे। ऐसा नशा होता है। एक बेटा अपने बाप को डांटता है, मां का अपमान करता है, उस समय अगर गुरु भी कहे कि अरे तुम क्या बदतमीजी कर रहे हो, अपने बाप का अपमान कर रहे हो, नहीं महाराज जी आप नहीं समझते, ये मार देने लायक है, ये हिरण्यकशिपु का अवतार है। अच्छा तो इसका मतलब तुम प्रहलाद हो? और जब नशा उतर गया, क्रोध शांत हो गया, तब सोचता है ओहो मैंने बड़ी गलती की, अपने पिता का अपमान किया। तो पहला प्रश्न है मेरा उन बाबाओं से, जो बाबा लोग आप लोगों को संसार का सामान देने का स्वांग रचते हैं, कि बाबा जी एक बात बताइए, ये दुनिया तो पहले ही ईश्वर को भूले हुए है, आप संसार का सामान देकर इनको और बेहोश करना चाहते हैं? अरे महापुरुष तो उसे कहते हैं जो लोगों का मन संसार से हटाकर और भगवान में लाए। कॉमन सेंस की बात है ना ये। महापुरुष क्यों आते हैं हमारे यहां अवतार लेकर, हमारा इतना अपमान सहन करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, क्यों? ताकि मनुष्यों का मन संसार से हटे और भगवान में लगे। क्योंकि जब संसार से हटेगा मन, तभी तो भगवान में लगेगा, तभी तो मन भगवान से प्यार करेगा, मन तो एक ही है। तो वो इतना परिश्रम करते हैं, संसार से मन को हटाया, भगवान में लगाया, ऐसा हमको कहते हैं, ऐसा करो बार बार, वो क्यों देंगे आपको संसार का सामान? वो आपको संसार के विषयों में आसक्त क्यों करेंगे? और दूसरा प्रश्न है मेरा आप लोगों से, जो लोग बाबाओं के पास संसार मांगने के लिए जाते हैं, एक बात बताइए, भगवान में सुख है या संसार में? आप कहेंगे दीदी आपने भी क्या प्रश्न किया, हाँ ये तो सभी जानते हैं कि सुख तो भगवान में ही है। तो आप क्या चाहते हैं? सुख। और मांग क्या रहे हैं? संसार। और ये संसार आप मांग किससे रहे हैं? संतों से। क्यों आपका दिमाग ठीक है? हाँ जी ठीक है। कहाँ ठीक है? अगर आप ये कहते हैं कि भगवान में ही सुख है, तो फिर संसार मांगने की कामना ही क्यों पैदा हुई? इसका मतलब आपका ये सिद्धांत है कि संसार में सुख है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं भगवान में सुख है, तो फिर आपने संसार मांगा क्यों? और आप मांग रहे हैं किससे? जिसके पास वो दिव्य आनंद है। आनंद एवाधस्तात, आनंद उपरिष्टात, आनंद पुरस्तात, आनंद
पश्चात आनंद उत्तरतः, आनंदो दक्षिणतः, आनंद एवे दग्वम सर्वम। जिन संतों के ऊपर नीचे अंदर बाहर सर्वत्र आनंद ही आनंद लबालब भरा है, उन संतों से आप संसार मांग रहे हैं। और चलो मैं ये भी मान लूं, आप कहेंगे दीदी हम तो ना समझ हैं, ठीक है, लेकिन वो बाबा लोग तो समझदार हैं, उनको कह देना चाहिए बच्चों तुम हमसे संसार मांगने के लिए क्यों आए हो, हमारे पास कहाँ है संसार जो हम तुमको दे दें, हम तो संसार को छोड़कर भगवान के भजन में लगे हुए हैं। और फिर अगर किसी में संसार देने की क्षमता भी होगी तो वो क्यों देगा। जैसे कोई डॉक्टर हो और उसका बच्चा जहर की शीशी पी रहा हो, तो क्या कोई भी डॉक्टर या कोई भी पिता अपने बच्चे को जहर पीते हुए देख सकता है? ना, एक झापड़ लगाया, बच्चा रोने लगा, माँ आ गई, अरे बच्चे को क्यों रुला रहे हो, देखती नहीं हो ये क्या पी रहा था? माँ ने देखा पॉइजन, उसने भी एक झापड़ इधर लगाया, एक इधर लगाया, तो बच्चा सोचता है ये दोनों मेरे दुश्मन, जबकि दोनों हितैषी हैं। इसी प्रकार से संत महात्मा जानते हैं कि ये दुनिया तो पहले ही नशे में है, ईश्वर को भूले हुए है, वो आप लोगों को संसार का सामान क्यों देंगे। और फिर क्या किसी संत की हिम्मत है जो हमारे प्रारब्ध के खिलाफ हमको कुछ दे दे? संत क्या भगवान भी प्रारब्ध के खिलाफ किसी को कुछ नहीं दे सकते? ये श्री राम कौन थे? भगवान। उनके पिता कौन थे? दशरथ जी। मां कौन थी? कौशल्या जी। दशरथ जी मर गए, हाँ, कौशल्या जी विधवा हो गई, हाँ, भगवान उनके पुत्र हैं, हाँ, भगवान ने अपने पिता को बचाया नहीं, ना, रो रहे हैं, हाँ, क्यों नहीं बचाया? क्या भगवान के लिए भी कुछ इम्पॉसिबल था? हाँ जी, इम्पॉसिबल रहा होगा, तभी तो नहीं बचाया। भगवान कहते हैं भाई ये कोर्ट का मामला है, न्याय वहां से होगा, ये मेरा घरेलू मामला नहीं कि मेरे जो मन में आया सो मैंने कर दिया। मेरे ठाकुर गोविंद ठाकुरानी राधे, 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 मेरे ठाकुर गोविंद ठाकुरानी, नीले नीले गोरी गोरी राधे, मेरे ठाकुर
था।